अरे हमारे सब्सक्राइबर आए हैं। तो ये जो घर है उसको हमने बहुत प्यार से बनाया है, बहुत टाइम के बाद फाइनली हमारा होम टूर आज रिवील होने वाला है। तो हम लोग आपको एक ही करके धीरे धीरे सारे चीज समझाते हैं कि हमने क्या सोच के कैसे कैसे हमने अपने घर को डेकोरेट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली घर का 90% जो भी सामान है वो सब आईकेआ से ही है। 90% आप एक बार एक नजर डाल लो गाइस पूरा स्पेस। मुश्किल से हम लोग मूवी या सीरीज देखते हैं। अकेले को बैठ के देखते हैं।
लेकिन जब हम देखते तो बहुत मजा आता है। नो डाउट ये सारंगी बच्चे चार थे, टॉबी ने तोड़ दिए दो, और लास्ट क्रिसमस में मैं डेकोरेशन के लिए लेकर आई थी, और ये भी टॉबी खा जाता है, थप्पड़ मारना पड़ता है। तो गाइस हम आ गए हमारे अब सोफा एरिया में, यानी सिटिंग एरिया। तो यहाँ बैठ के हम लोग मूवी देखते हैं, खाना खाते हैं, लड़ते भी यहीं पे हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। आपने सीरीज में देखा होगा, एक्चुअली हम लोगों ने डाइनिंग टेबल ऐसे बंद कर दिया क्योंकि हम लोग यहीं बैठ के खा रहे हैं। मैंने भी बोला डाइनिंग टेबल किस बात का, जब हम लोग यहाँ बैठ के खाना खाते हैं, हम लोग को टीवी देखना पसंद है खाना खाते वक्त या यहाँ बैठ के खाने में। तो हमने सोचा डाइनिंग टेबल का कोई यूज नहीं तो पैक कर देते, शायद भी लेटर इन फ्यूचर कब काम आएगा। ये सब कुछ आईकेआ है, वो भी आईकेआ है, ये सब आईकेआ है, ये टेबल भी आईकेआ है, ये सोफा भी आईकेआ है, ये भी आईकेआ है, ये भी आईकेआ है। ये तो ये पहले मैंने वो वाला रखा था, बट ये वाला बैग भी आईकेआ है, अभी अभी मैं लेकर आया। फिर ये ट्रे लेके आया हूं, पता नहीं क्यों लिया था, बट ये ऐसे अच्छा लग रहा है। और गाइस यहाँ पे जो है ये जो है गाइस ये स्टैंड है, ये मेन एक्चुअली मुझे बाल करने के लिए लेना था, लेकिन क्या हुआ उसके बाद फिर हम गए नहीं वहाँ पे, तो लिया नहीं, ये लिया। कंप्यूटर से जाके प्रिंट आउट करके निकलवाया। गाइस ये है हमारा बेडरूम, वैसे आपने पहले देखा है, आप फिर से देख लो, कुछ ज्यादा नेचर चेंजेस नहीं किया अभी तक हमने, कुछ भी नहीं किया है। बट ये की हम ट्राई करते हैं इसको मेंटेन करना, क्योंकि इसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए, क्योंकि पूरा व्हाइट है ना तो उसमें गंदगी बहुत जल्दी दिखती है, तो हम लोग उसको रोज हर दिन साफ करना पड़ रहा है। कोई नहीं करता यार, अगर आपने BTS और बेडरूम टूर अगर जो हमने पहले शूट किया था, जहाँ पे उन्होंने पूरा रूम खुद से डेकोरेट किया और पूरा हमने खुद पेंट किया हर चीज की है, तो अब वो देखना है तो आपको यहाँ पे मिल जाए उसका लिंक, जाके जरूर प्रेस करके देखना। अब चलते हैं गाइस हमारे किचन की तरफ, एंड ये है हमारा प्यार से क्यूट सा किचन। ओह नक्शा बन गया इसका शूट करने के लिए, इससे पहले समझ नहीं आ रहा था, गंदा था। अभी सारे से मैंने पूरा साफ नहीं किया, नहीं इसमें से फ्रिज को पूरा साफ किया अभी, पूरा पूरा तुम्हारी वीडियो के लिए, क्या मेरे कपड़े उसके लिए, तुम्हारी वीडियो हां इसको कट कर दे, इसके मुंह पे ना धुंधला धुंधला लगा देना और इसकी आवाज गायब कर देना, इसका रेवेन्यू मेरे को आएगा, इसका रेवेन्यू मुझे। ये आई लव यू बुढ़ा, जिसको पता हो मतलब आप लोग कमेंट में जरूर बताना। मैं कभी कभी बोलती हूँ कि गंदा हो गया, फाड़ देती हूँ, नया लिख दूंगी, मैं मना करता इसको नहीं। चलो तो गाइस था हमारा किचन, आगे देखते हैं। हमारे ये रूम एक्चुअली अभी प्रॉपरली सेट नहीं हुआ है, लेकिन आपको दिखाते हैं जो भी है ये सभी है। सो ये है गाइस हमारा स्टूडियो रूम, जो कि है ये मेरा गेमिंग चेयर और ये मेरा गेमिंग सेटअप, जैसे आप देख सकते हो इस तरह से, और जब मैं कभी स्ट्रीम करता हूँ तो साथ में मैं अपना सेटअप करता हूँ इस तरह। जो आप देख रहे हैं बिल्कुल झूठ है, ये लड़की यहाँ पे जिंदगी में कभी बैठी नहीं, बहुत मुश्किल से दो या तीन बार बैठी हुई पूरे साल भर में, और ये जगह जो उसको इसको बिल्कुल पसंद नहीं है ये जगह, बट मैं ये कुर्सी ले जाता हूँ ऐसे करके। जिसमें बहुत सारी चीजें रखी है, इसमें बहुत सारी चीजें चीज है, मंदिर का सामान है, और जो जो मेरे थोड़ा सा चर्च स्टोर का सामान है, चर्च स्टोर भी है मेरा बारे में भी मैं बता दूंगी लिंक का, तो ये मेरे पैरेंट्स से मंगवा दिए ना, ये मेरा बारे में फिलहाल के लिए अभी मैंने बैंगन का पेड़ लगाने की कोशिश किया था, बट ये सूख गया, बट उधर मेरा पुदीना लगा है, और मेरा पुदीने का पेड़ इतना लंबा हो गया। बालकनी में बहुत सारे चेंजेस करने हैं। ओके गाइस, सो ये हमारा प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा घर जो हमने बहुत प्यार और बहुत मेहनत से बनाया है, मतलब वैसे तो ये हमारा अपना नहीं है, ये रेंटेड है, बट फिर भी हम लोग को पता नहीं हम लोग कब तक रहने वाले हैं रेंटेड में, तो हमने सोचा कि क्यों ना उसको बहुत प्यार से अच्छे से, ताकि हम लोग जब भी काम से घर पे आए, वैसे दादा हम घर पे ही काम करते हैं, आज इसके आपको देखते हो सारे वीडियोस, तो हम चाहते हैं कि घर पे घुसे और ऐसा लगे कि बस जन्नत आ गई। और गाइस ये भी आप सबके प्यार से कभी कभी ये घर भी अपना हो सकता है, तो जरूर जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ढेर सारा प्यार देना,
प्यार देना, सो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।